बच्चों चलिए आइए, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। बच्चों हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए आज नवोदय विद्यालय में जो समय से जो भी संबंधित प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम लोग समय की माप के बारे में पढ़ेंगे, समय पद्धति के बारे में जानेंगे। आज हम लोग समय के ऊपर जितने भी प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन जानेंगे, या आपके ओलंपियाड में पूछे गए हों या पूछे जाएंगे या मेंस का मेरिट हो या कोई भी आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चों पूरे बहुत अच्छे सुंदर तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपने इसके पहले के हमारे वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश की है, और इतना भी जानते हैं हम कि आपने पूरा कोर्स हमारा अभी तक जो भी वीडियो डाले हैं उन सब वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा और पूरी तैयारी कर ली होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सभी पद्धति में समय की माप। हम लोग जानेंगे समय की माप कैसे। जैसे आपको पता है कि एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड, या 60 सेकेंड का क्या होता है, एक मिनट होता है। 60 सेकेंड का क्या एक मिनट कह सकते हैं, या एक मिनट का क्या कह सकते हो बच्चों, 60 सेकेंड। जैसे आपने घड़ी देखा है, घड़ी में इस प्रकार से घड़ी रहती है, यहाँ से मान लो यहाँ से ये जो सेकेंड वाला काटा है ये इस प्रकार से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए जब यहाँ पहुँच जाता है, सेकेंड वाला काटा मतलब 12 से चालू होके पुनः 12 तक जब पहुँच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मिनट में एक, मतलब एक मिनट में सेकेंड की माप। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर से एक काटा हम लोग बना देते हैं, ये वाला जो काटा है 12 पे, मान लो ये घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए ये यहाँ तक आ गया, मतलब एक चक्कर लगा लिया, मतलब एक मिनट हो गया। तो एक मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड हो गए। कितने सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड हो गए, ठीक है। अब उसी प्रकार एक छोटा काटा रहता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से घड़ी में देखा है ना सबने, एक छोटा काटा रहता है इस प्रकार से, देखिए एक सेकेंड, इस प्रकार से एक छोटा काटा रहता है। ये छोटा काटा जब यहाँ मान लीजिए कितना बजा है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या आ गया, 3, तो ये 2 से 3 में पहुँचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक घंटा, क्या कहते हैं, एक आवर या एक घंटा। एक घंटे में अब आपसे कभी पूछ लेगा कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, तो सबको पता है कि 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, जबकि एक मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का एक मिनट, ठीक है। आगे देखिए, अब दिन और रात की बात करें तो कितने घंटे का दिन होता है या कितने घंटे की रात और दिन होते हैं ये बात करते हैं। जब हम लोग 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं एक दिन, और एक दिन में टोटल हो गए हमारे कितने, 24 घंटा। अर्थात एक दिन के 12 और एक रात के 12, 12 और 12 टोटल कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है। बच्चों नवोदय विद्यालय में हमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहीं से पढ़ना, और यहीं से आपने देखा कितने सारे बच्चों के हमने इंटरव्यू डाले और पूरे के पूरे सेलेक्टेड हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ना है, हमने यहीं से पढ़ा है सब कुछ। हम हर साल नया कोर्स देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री देते हैं, और टेलीग्राम में इसकी लिंक, मतलब जो PDF है उसकी लिंक भी आपको मिल जाती है, या उसको हम PDF में ही प्रोवाइड करा देते हैं आपको। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं रंजीत रांगड़ा, और वहां से भी आप टेलीग्राम की लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। या बच्चों और अच्छा तरीका, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर टेलीग्राम लिखा है, लिंक नीले कलर की आपको नजर आएगी, उसे ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर अब आगे बढ़े, दिन के बाद अब एक दिन था, अब हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो 7 दिन में कितने घंटे होते हैं कहेंगे, तो कुछ नहीं करना, 24 गुणा 7 आपने करा, यहां पर कितना आ गया, 7 चौके 28, क्या 8, हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168 घंटे हो जाएंगे। पर यहां पर हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमारा क्वेश्चन है 7 दिन बराबर कितने सप्ताह, तो 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। 7 दिन में कितने सप्ताह होंगे बच्चों, बोलो 1 सप्ताह। कितने सप्ताह, 1 सप्ताह। उसी प्रकार 30 दिन का, 30 दिन का 1 माह। अब कई बार आपने देखा होगा कभी कभी 28 भी हो जाता है, कभी कभी 29 भी हो जाता है, कभी कभी 30, कभी कभी 31, तो ये सब जो मंथ में हो जाते हैं
उनके मतलब जो दिन है उन्हें को हम महा कहते हैं। ठीक है, अब दिन की बात हो गई। अब दिन में ही देखो अगर 365 या 366, अभी देखो 365 लिखे हमने, 365 का दिन का एक वर्ष, 365 दिन का एक वर्ष, लेकिन कभी कभी इसमें एक लीप वर्ष के कारण बढ़ जाता है, तब वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे 366 दिन, तब भी हमारे क्या होंगे, एक वर्ष ही होंगे। कितने दिन होंगे, एक वर्ष। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखो, अगर अब दिन की बात खत्म करें, अब हम लोग महीने पे चलें, तो 12 महीने, 12 महीने का क्या होता है, एक वर्ष। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या हो गए, पूरे के पूरे 12 माह हो गए। कितने माह हो गए, 12। इन 12 महीनों को ही क्या बोलते हैं, हम एक वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। जैसे सप्ताह भी आपने पढ़ा ना, आपने सप्ताह पढ़ा, कहाँ पढ़े आपने, देखिए आपने क्या पढ़ा, सप्ताह पढ़ा, क्या पढ़ा, सप्ताह। यहाँ देखिए एक सप्ताह पढ़ा 7 दिन का, कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार आपने पढ़ा। बच्चों अब आपके लिए कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सप्ताह का शुरुआत वाला दिन कौन सा है, कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए नवोदय में पूछे गए संपूर्ण प्रश्न, इन्हें आपको दिमाग में बैठा लेना है, इसे कॉपी में उतार लेना है। कॉपी में उतारोगे तो बार बार देखोगे आप, बार बार देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे ना। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसे बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में उतारिए और याद कीजिए। चलिए एक वर्ष हमने पढ़ लिया, 12 महीनों का होता है। उसी प्रकार सप्ताह में बात करें तो हमने देखो 365 दिन में एक वर्ष जाना, 12 महीने में जाना। अब सप्ताह की भी तो बात कर लें, तो 52 सप्ताह जब हो जाएंगे तो उससे हम क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वर्ष, 52 सप्ताह का एक वर्ष। आगे बढ़ते हैं, 12 वर्ष को क्या कहते हैं, आपने सुना होगा त्रेता युग, कल युग, तो 12 वर्ष को एक युग के भी नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपने जब सुना है जब कोई खिलाड़ी 100 रन बनाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसने शतक मार लिया कहते हैं, सेंचुरी मार लिया कहते हैं ना, और 50 रन बनाता है तो अर्धशतक बना लिया कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो उससे एक शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शताब्दी। 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, मतलब एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष। कितना बच्चों, एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग महीने में होने वाले दिनों की संख्या को जान लेते हैं। जनवरी में 31 दिन, फरवरी 28 और 29 दिन की, क्यों, क्योंकि हमें पता है लीप वर्ष में कितने दिन की हो जाती है, जब एक दिन बढ़ जाता है तो 29 की हो जाती है। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में कितना, सितंबर में पुनः 30 दिन, फिर अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। मतलब हमें याद रखने के लिए सबसे पहले याद रखना पड़ेगा एक सूत्र, सूत्र के जरिए आप रख सकते हो याद, सी अप जू नौ के, सी अप जू नौ के। यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, सी अप जू नौ 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। हम बोल रहे हैं आप लोग लिखो बच्चे, सी अबजू 9 के बाकी के, मतलब सी अबजू 9 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। ध्यान से लिख लीजिए इसे, ठीक है, ये क्योंकि याद करने के लिए बहुत अच्छा है कि दिनों को कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया है फरवरी माह साधारण वर्ष में 28 दिनों का होता है, लेकिन जब अधिवर्ष होता है तो वो 29 दिनों का होता है। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, जब एक माह, एक मतलब फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है तो 29 की हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दिनों से संबंधित पूरी जो भी सप्ताह हमने पढ़ा, हमने समय का जो ज्ञान प्राप्त किया, दिनों के बारे में जाना, महीनों के बारे में, जैसे आपसे अचानक पूछ लिया जाए कि बताओ अगस्त में कितने दिन होते, तो आप बोलोगे 31 दिन,
कभी पूछ लिया मई में 31 दिन, आपसे पूछ लिया जून में कितने दिन, 30 दिन, आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध, कैसे आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए, वो भी आप अगले वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, इसे यहीं पर पूर्ण विराम करें बच्चों, बंद करें, क्योंकि हमने समय पढ़ लिया है। समय के अलावा ये अगला चैप्टर है, हम इसको फिर अगले से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया है ना, समझ आया तो कमेंट में बताइए कि हाँ हमें समझ आया है, और आप अगला वीडियो बनाइए। और आपके कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछिए, नए हो चैनल में सब्सक्राइब करो। देखो बच्चों, अगर आपको पढ़ना है और पढ़ने के लिए फिर से वीडियो को ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या कीजिए, इसे किसी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आप वहाँ जाके पुनः इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।